हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके डिग्रीज के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि उस टॉपिक पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमें फॉर्मूला देखना है। तो सबसे पहला इसका दो फार्मूला होता है, ओके। पहला होता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड बेसिकली हमारा क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। और सेकेंड फार्मूला होता है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसका फार्मूला होता है ईडी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, जहाँ पे डेल्टा जो होता है ना, ये जो ट्रायंगल का साइन आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका क्या मतलब होता है। तो डेल्टा क्यू जो है उसका यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो होता है न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल यानी कि प्रीवियस वाला, आप इनिशियल की जगह ओल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा पी जो होता है वो होता है हमारा न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। और पी जो होता है, ये वाला जो पी है, ये है हमारा इनिशियल प्राइस यानी कि पहले वाला प्राइस, ओल्ड वाला। और क्यू जो है वो भी हमारा इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है, इसको भी हम लोग ओल्ड या फिर प्रीवियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा दो फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो सबसे पहले मैं इधर रब कर देती हूँ ताकि हम क्वेश्चंस बना पाए, ओके। चलिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और आंसर्स इजीली बनते चले जाएंगे, बस फॉर्मूला के ऊपर सारा क्वेश्चंस बेस्ड है हमारा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, व्हेन प्राइस इज रुपीज 20 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 500। यानी कि पहले हमारा प्राइस जो है, ओके, पहले हमारा प्राइस जो है वो 20 रुपीज था, तो डिमांड कितना हो गया 500, राइट, एज पर द क्वेश्चन। अब बोल रहा है एज द प्राइस फॉल्स, यानी कि प्राइस क्या हुआ, गिरा, प्राइस गिरा, फॉल हुआ, 15 पर यूनिट हो गया, तो अब डिमांड कितना हो गया, एक्सपैंड हो गया, यानी कि डिमांड बढ़ गया। तो हमें पता है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, और प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, राइट। तो जब 15 रुपीज़ हो गया तो डिमांड 800 हो गया, तो हम लिख देंगे कि हमारा जो न्यू वाला प्राइस है वो 15 हो गया और डिमांड हो गया 800, ओके। अब हमको क्या निकालना है, हमको फॉर्मूला के ऊपर जस्ट आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन में क्यों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंट तो नहीं दिया है, तो हम परसेंटेज मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनटू पी बाय क्यू, ठीक है। अब बस इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू हमारा क्या था, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 800 माइनस 500, तो कितना हो जाएगा 300। और हमारा डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो न्यू माइनस ओल्ड यानी कि 15 माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 5, डन। और हमारा प्राइस और पी और क्यू तो दिया है इनिशियल, यानी कि ये दोनों हो जाएगा 20 और 500। तो अब इसको पुट कर दो फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा 300 बाई माइनस 5 इंटू 20 बाई 500, डन। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, ये 500, ये 00 इधर हो जाएगा, और 4 3 12/5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा माइनस 2.4 हो जाएगा, ठीक है, 2 10 और पॉइंट, हाँ ठीक है। तो हमारा ईडी जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा ईडी हो जाएगा हमारा ईडी हो जाएगा मोर देन 1। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो क्या है, डिमांड इज हाईली इलास्टिक, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 1, तो बहुत ईजी था। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बस जितने क्वेश्चन हैं वो आपके फॉर्मूला के ऊपर बनते चले जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा समझ लेना है क्वेश्चन, ओके। चलिए,
तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइस राइज इन प्राइस बाई 10। यानी कि जब ये हमको बाद वाला यानी कि न्यू वाला बता रहा है, ठीक है, यानी कि अभी का प्राइस कितना है, डिमांड कितना है 500 यूनिट्स है और प्राइस कितना से बढ़ा हुआ है, 10 रुपये से बढ़ा हुआ है, 10 रुपये नहीं हुआ है, 10 रुपये से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डिमांड यानी कि हमारा जो इनिशियल डिमांड था वो यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द ओरिजिनल डिमांड वॉज यानी कि पहले ये था 600 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ ₹30, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेरा इनिशियल दिया हुआ है तो इनिशियल हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे पी, एक सेकेंड, पहले यहाँ पे पी और क्यू लिख देते हैं। अब देखते क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, हमारा ओरिजिनल कितना दिया है 600 यूनिट्स और ₹30। तो प्राइस हमारा 30 और क्वांटिटी हमारा 600 और अब ये प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये से क्या हुआ, राइज हुआ, यानी कि अभी का हमारा प्राइस कितना हो गया 40 हो गया और अब क्वांटिटी कितना है फॉल्स 2, यानी कि इतना हो चुका है और बाई का मतलब कितने से हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 हम लिख देंगे। तो ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, हमारा फॉर्मूला पे अप्लाई करने के लिए सारा कुछ मिल गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये है ना, इनटू पी बाई क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको बस निकाल लेना है। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा 500 माइनस 600 इक्वल्स टू माइनस 100 और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। तो माइनस डेल्टा क्यू कितना है, माइनस 100 है और बाई कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और पी बाई क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये 600, करेक्ट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बस। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा माइनस तो कट जाएगा, तो हमारा ईडी आ जाएगा 0.5, ठीक है। और माइनस साइन बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, उसको इंडिकेट करता है हमारा ये माइनस साइन, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना कि ईडी जो है वो हमारा स्मॉलर देन है 1, तो वी कैन राइट कि डिमांड इज क्या होता है, डिमांड इज इनइलास्टिक, ओके। चलिए तो ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आई होप कि समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओके। चलिए इसको रब कर देते हैं, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और इसको तुरंत से नोट कर लो, बिकॉज ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, जितना भी क्वेश्चन है ये सारा आपके NCERT पे ही बेस्ड है, सारे NCERT के बुक में आपका ये क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, ठीक है। चलिए अब आता है थर्ड क्या बोल रहा है, कंज्यूमर स्पेंड 80 रुपीज़ ऑन अ कमोडिटी व्हेन अ प्राइस इज ₹1, ठीक है। यानी कि जब 1 रुपया है प्राइस तो वो उस पर कितना स्पेंड कर रहा है, 80 रुपये स्पेंड कर रहा है। अगर प्राइस इंक्रीजेज बाई ₹1, यानी कि प्राइस जब बढ़ गया 1 रुपये से, तो उसका एक्सपेंडिचर कमोडिटी के बारे में नहीं दिया है, ओके। आप ये देख लो कि उस कमोडिटी, ये वाला जो 80 है वो तो दिया है कि चलो ऑन अ कमोडिटी, यहाँ दिखा क्या, एक्सपेंडिचर बिकम्स ₹96, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कमेंट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन है बस उसी के बेसिस पे सब कुछ फ्रेम कर लेते हैं, हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, तो हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमारा इनिशियल प्राइस और हमको इनिशियल क्वांटिटी चाहिए सबसे पहले। तो इनिशियल प्राइस मेरा 1 रुपीज़ था, तो उस पर एक्सपेंडिचर कितना था, 80 रुपीज़ का था। अब मेरा न्यू प्राइस कितना हो गया, बोला क्वेश्चन में कि 1 रुपये से बढ़ गया, यानी कि 1+1 2 हो गया, और तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 96 रुपीज़ का हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, फाइन। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो मेरा क्वेश्चन में तो हमको इस तरीके से निकालना है मेरे फॉर्मूला के बेसिस पे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये है मेरा फॉर्मूला। तो हमको सबसे पहले तो निकालना होगा Q1 और Q2, यानी कि हमारा Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हमारा इनिशियल वाला हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, और Q2 हमारा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पहले ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 रुपये पे इसका एक्सपेंडिचर 80 था,
तो यानी कि अगर कमोडिटी का निकालना है तो हम 80/1 कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि इसका Q1 जो है वो 80 है। और हमको फिर न्यू वाले का निकालना है तो न्यू में क्या करेंगे हम 96/2 कर देंगे, ताकि मेरा उस कमोडिटी पे उसका कितना खर्च हुआ 2 रुपये के प्राइस होने के बाद वो निकल जाए। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब हमको क्या करना है, अब हम डेल्टा क्यू इजीली निकाल सकते हैं ना, क्या करेंगे 48 - 80 राइट, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -32। अब तो इजी हो गया, अब तो ये बन जाएगा, तो जल्दी जल्दी बना लो सब लोग। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारा -32 / डेल्टा पी निकालना है हमको, तो डेल्टा पी भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 × p कितना है 1 है, और बाई क्यू कितना है हमारा 80 रुपीज़ था ये वाला। देखो इधर जो हम लोग Q1 निकाले, अब इसको कैलकुलेट कर देना है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ED जो है वो क्या है, ED हमारा स्मॉलर देन 1 है, तो वी कैन राइट की डिमांड इज इनइलास्टिक, डन। तो ये हो गया हमारा question number 3, दैट वॉज ऑल्सो सो ईजी। अब आते हैं question 4 पे, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसको भी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर question number 4 को देखना। सो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे हैं आपको, बट थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, बट इजी भी है, ओके। लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ना, वो अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। उसमें थोड़ा दिमाग ज़रूर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं question 4 पे, तो वो क्या कह रहा है कि अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स बाय ₹5, यानी कि 5 रुपये से कम हो गया गुड एक्स का प्राइस, कॉजेज एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड बाय 20, यानी कि अगर 5 रुपये से कम हो गया, बाई देख लो, बाई दोनों में है, ठीक है, तो 5 रुपये से कम हो गया प्राइस, तो उसका डिमांड कितना हो गया, 20 रुपये से बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ गया, 50 रुपये हो गया। तो द न्यू प्राइस इज एक्स इज इक्वल टू 15, यानी कि अभी जो प्राइस है एक्स का वो 15 रुपया है, तो हमको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके बेसिस पे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मेरा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस मेरा 20 है, ठीक है। देखो इनिशियल प्राइस अगर 20 रहेगा तभी ना यहाँ पे अगर हम -5 करेंगे तो वो हमारा घट के 15 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ ₹5, तो ये हमारा 15 + 20 हो जाएगा, राइट, 15 + 5 हो जाएगा, तो हमारा 20 आ जाएगा, राइट। चलो तो ये हमारा हो गया, तो क्वांटिटी अभी हमारा कितना है, इनिशियल क्वांटिटी 30 है, क्यों, कैसे 30 है, कैसे निकला, तो ये 50 - 20 हम लोग कर दिए, तो ये निकल गया हमारा 30, डन। अब हमको नया प्राइस कितना मिल गया था, नया प्राइस लिखा था कि 15 है, और नया क्वांटिटी कितना था, 50 था, ठीक है। अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, -ΔQ/ΔP × p/q, करेक्ट, डेल्टा क्यू निकाल लीजिए, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, 50 - 30 = 20, और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो 15 - 20 = -5, तो हमारा ये हो जाएगा 20 - 5, ये यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, × p/q कितना है हमारा, 20 / 30 है, इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, ये 10 3 और ये 2, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 8/3, यानी कि अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस तो नहीं रहेगा, माइनस साइन तो कट गया, ये आ जाएगा 2.66, ओके। तो हमारा ED आ जाएगा 2.66, को वी कैन राइट देयरफॉर ED इज ग्रेटर देन 1, और हम लोग लिख सकते हैं ना कि हमारा जो डिमांड है, डिमांड इज व्हाट, वेरी गुड, अगर आप लोगों ने इलास्टिक बोला है तो बिल्कुल सही है। चलिए तो ये हमारा बन गया 4th question भी इजीली। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो, और या अगर नहीं लिखना है तो समझ लो वीडियो पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो question number 5 क्या कहता है कि अ डेंटिस्ट वॉज चार्जिंग ₹300 फॉर अ स्टैंडर्ड क्लीनिंग जॉब, ठीक है।
एंड पर मंथ इट यूज टू जनरेट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 30,000, यानी कि 300 रुपए वो चार्ज कर रहा था, जिसके वजह से वो हर महीने 30,000 कमा पा रहा था, ठीक है. शी हैज इंक्रीज्ड, अच्छा लड़की है, ओके, तो शी हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ डेंटल क्लीनिंग चार्जेस क्लीनिंग टू ₹350. तो उसका जो प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस अब बढ़ के 350 हो गया 300 से, ठीक है. तो हमको अभी क्या क्या मिल गया पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है. चलो यहाँ तक हम लिख लेते हैं. तो हमको क्या मिल गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइस और क्वांटिटी में हमको क्या क्या मिल गया. तो पहला हमको इनिशियल प्राइस कितना मिला, कि इनिशियल प्राइस था उसका 300, फिर हो गया 350. तो ये हमको मिल गया 300 और फिर हमको हो गया 350 मिल गया. अब हमको क्वांटिटी निकालना है. तो आप देखो क्वेश्चन में कि क्वांटिटी लिखा है या फिर कुछ और दिया हुआ है. इसमें क्वांटिटी दिया है क्या, आई डोंट थिंक कि दिया है क्वेश्चन में क्वांटिटी. क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल रेवेन्यू, राइट. और यहाँ पे भी दिया है टोटल रेवेन्यू, यानी कि उसका क्वांटिटी डिमांडेड नहीं दिया है. तो टोटल रेवेन्यू 30,000 और 33,250 है. तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू जो इसका जनरेट होके आ रहा है, एक से इनिशियल आ रहा है 30,000 और नेक्स्ट उसका आ रहा है 33,250. हमको क्या निकालना है, हमको क्वांटिटी निकालना है, क्योंकि हमको इसको अपने फॉर्मूला में देना है, मतलब निकालना है. तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा यही होता है ना. अब हमको इसको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा क्वांटिटी डिमांडेड. तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले याद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, वैसा क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे, 2 नहीं 3 बनाए थे. उसमें क्या किए थे कि एक रुपये से जब बढ़ गया था तो हमारा ऐसा ही क्वेश्चन दिया था. तो बिल्कुल इस तरीके से कर देंगे कि क्वांटिटी 1 यानी कि इनिशियल वाला कितना हो जाएगा हमारा क्वांटिटी, वो हो जाएगा 30,000 बाई 300. तो ये हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100, डन. और हमको निकालना है क्वांटिटी डिमांडेड 2 यानी कि न्यू वाला. तो न्यू वाला कैसे निकालेंगे, तो 33,250 डिवाइडेड बाई 350. तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 95, ठीक है. अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे डाल देंगे. फॉर्मूला पे कैसे डालेंगे, माइनस डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू निकाल लो, अब तो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस 5. और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा हमारा 350 माइनस 300 इक्वल्स टू 50. चलो तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ये कितना आ गया, माइनस 5 आ गया बाई 50 आ गया इंटू पी बाई क्यू. पी बाई क्यू कितना है हमारा, 300 बाई 30,000, डन. इसको हम लोग देख लेते हैं कि कितने से कटेगा क्या आएगा. तो ये आ जा रहा है हमारा माइनस माइनस यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये 5 3 15 बाई 5 3 15 100 इतना आ रहा है. तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.3, ठीक है. ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.3. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ईडी लेस देन 1 है और हमारा डिमांड क्या है, हमारा डिमांड है, डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है. तो गाइज आज के लिए तो इतना ही. ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े इजी थे, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ही काफ़ी टफ क्वेश्चंस नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा इजी हो गया. अभी तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या कैसे निकालना है. तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा, पहला परसेंटेज और दूसरा प्रोपोर्शनेट. तो प्रोपोर्शनेट तो हमारे पाँचों क्वेश्चन में यूज़ हो गया, बट परसेंटेज कैसे यूज़ करना है ये मैं बताऊँगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे इससे थोड़ा टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूँगी. एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू.